इसी के लिए परेशानी है बस, और कोई परेशानी नहीं है। और हम लोग का जगह नहीं मिला, हम लोग ऐसे जमुना किनारे में पड़े हैं, हमारे न राशन कार्ड बने हैं, ना हमारे जमीन मिले, ना कुछ भी मिले हैं, ऐसे जमुना किनारे में पड़े हैं। सब जाते जमने जी में क्या करें, इसे तो खेत वाला सब माना करता है, खेत में करने नहीं देता, कोई मारता है गाली देता है, तो इसे हम लोग अपना किनारे में बैठ जाता जब मैंने कोई नहीं और कोई चीज की दिक्कत नहीं, मेरा इससे साल खेत दिक्कत है लेकिन पैसा कर रहा तो जमना गंदी तो करे तुम सब, तुम ही लोग करे हो, जब नाले का पानी आएगा, जो ऊपर से पानी जाएगा जमुना थोड़ी गंदी है, तुम ही लोग हम ही लोग हम ही तुम कर रहे हैं। रह तो रहे हैं वैसे, मगर बहुत दिक्कत होती है यहाँ पर। अब यमुना पार कहने को तो रह रहे हैं भैया, मगर यहाँ पे कोई सफाई नहीं है, कोई शौचालय नहीं है, परेशान है, यहीं जाते हैं खेतों में, इधर ही जाना पड़ता है, क्या करेंगे। अब कहने को तो मोदी अभियान है, ये है वो है, आईटीओ के पास इतना, मतलब आप खुद ही समझ सकते हैं, अच्छे एरिया कह सकते हैं। यहाँ पे ये जमुना बेल्ट है, यहाँ पे पहले तुम जमुना का जितना भी तुम्हारा ये सारा गंद जो है नाले सब इसी में पड़ो है, जनकपुरी से लेके वहां तक का पानी गंद इसमें, सिवर का पानी इसमें, सारा इसी में ही आता है जमुना में, पहले इसी की इसकी सफाई करो, इसकी सफाई हो जाएगी तो समझ लो सारी सफाई होगी, तो नाले बंद करो इसमें। कौन आदमी मतलब अपनी बेइज्जती कराना चाहे, जब उसको घर बैठे कोयले मिल जाएगी तो अपने उसी में करेगा, वो क्यों आधा किलोमीटर या एक किलोमीटर दूर जाएगा, रात को क्यों जाएगा वो। हमें तो भैया नहीं लग रहा है कि कहीं से स्वच्छ भारत अभियान हो रहा है यहाँ पर, और हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, आप देखिए इधर कितना गंदगी हो रखा है, मतलब कहने को यमुना है वैसे तो नाला है। हम खुद भी इसका पानी नहीं पी सकते, तो मतलब जानवर भी नहीं पीता तो हम क्या पियेंगे, मतलब आप समझ सकते हैं किस परेशानी में रह रहे हैं यहाँ पर हम। सर्दी में तो फिर भी किसी तरीके से कट जाता है दिन, मगर गर्मियों में डेंगू के मच्छर, मलेरिया के मच्छर, मतलब अगर इधर बस्ती में कोई रह रहा होगा तो ऐसा नहीं है, महीने में एक ना एक बीमारी की वजह से या तो मर ही जाएगा या तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी उसकी। पानी की समस्या सारी है, जो मतलब कि गंध है जमुना का, उसका रिसाव तो जमीन में ही आता है। ये हमने 50-50, 60-60 फुट के जमीन में बोर कराए हुए हैं, उसी का ही पीते हैं। मैडम हमने शौचालय बनाया और DDA के आदमी आए और वो उसको तोड़ के चले गए, कोई नोटिस नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, जिसके पास नहीं DDA के पास कोई प्रूफ नहीं है इस जमीन का, कहना है तो सरकारी जमीन DDA की जमीन है, 1952 में DDA बनी है। हमारे परदादा दादा कहते थे हमारी जमीन, अंग्रेजों के टाइम जब था उनकी वो गुलामी भी उन्होंने खूब करी, अंग्रेजों का टाइम खत्म हो गया यहाँ तो उस टाइम पे ये इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने कहा जहाँ तुम्हें खाली जमीन नजर आती है उसको भी बो सकते हो, और जरूरत पड़े तो मेरी टोपी में भी गेहूं बो सकते हो। पहले तो ये नाले साफ करूंगा, जमुना को साफ करो, नाले बंद करूंगा, सफाई अपने आप हो जाएगी।
सब कुछ आ जाएगा, बहुत आ जाएगा। अगर टॉयलेट बन जाएगी तो सब साफ सफाई रहेगी, सब दुनिया उसमें जाएगा तो सफाई होगी, गंदगी होगी सफाई होगी। बहुत ही बेकार, क्या बोले, मतलब बस जी रहे हैं किसी तरीके से, यही है बस बात जो है।